न्यूज हर जगह हर वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ ये जो ढोल बजाने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये ढोल तो बजा रहे हैं, आप ढोल की थाप पे यहाँ पे कुछ लोग रक्स भी कर रहे हैं, लेकिन शायद इनके चेहरों पे वो मुस्कुराहट नहीं है। इनके ढोल की थाप पे जिस तरह एक जोश है, एक जज्बा है, एक मुस्कुराहट है, इन लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये लोग हुकूमत वक्त से सवाल करते हैं कि आप इतना बड़ा इवेंट तो करवाने जा रहे हैं, आप लोग यहाँ करोड़ों अरबों रुपए तो लगा रहे हैं, 18-20 करोड़ रुपए पीसीबी ने एक दिन में तो कमा लिए हैं, लेकिन इनके चेहरों पर मायूसी क्यों है? इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? या कोई भी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, दीगर जमातों की हो, तमाम सूबों में ये हुकूमतें कहीं ना कहीं शराकत दार ज़रूर हैं, लेकिन ये चेहरों पर एक मैच करवाने से फ़कत खुशियाँ नहीं लौट आएंगी। इसके लिए हमें बहुत सा काम करना है। इसके लिए हुकूमत ने गरीब आदमी की, गरीब आवाम की फलाह को तरजीह तसव्वुर करना है, गरीब आवाम को तालीम देनी होगी हुकूमत को। वज़ीर आला पंजाब ने आज कहा कि पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे, लेकिन अगर वज़ीर आला पंजाब इन वादों और इन बयानात से भी निकल आएँ कि गरीबों पर आँच नहीं आने देंगे, वो गरीबों की आवाज़ उठाएँ, जिसकी एक मिसाल हमें PSL में भी मिलती है कि VVIPs के लिए शटल सर्विस है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। आमिर मलिक साहब, गरीबों, अभी मैंने एक मिसाल दी कि ढोल बजाने वाले हमारे साथ लोग हैं, ये मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, दो दिन इनका कारोबार बंद रहेगा। सवाल फिर वही है, राणा साहब कहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी चलते रहेंगे, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये थोड़े से झूठ का भी सहारा क्यों लिया जाता है? भाई, मेन मसला है कि इस वक्त मसला PSL का नहीं है, ये एक मैच का नहीं है। आपका मुकाबला आपका अजली दुश्मन हिंदुस्तान के साथ है, आप रॉ के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इस वक्त पूरी कौम मिल के बगैर वर्दी के इस कौम की बका के लिए लड़ रही है। ये एक मैच पाकिस्तान की बका का मैच है। आपके साथ आपका आइडिया नहीं है कि यह धमाके कराने में कौन लोग शामिल हैं? हम नाम लेते डरते हैं क्या? रॉ शामिल है, अफगानिस्तान की एजेंसी शामिल है, इसराइली एजेंसी शामिल है, और वो ये चाहती हैं कि हमारे चेहरों पर मायूसी रहे, और हमने उसको इनकार करने के लिए अपने उसको रद्द करते हैं। इसीलिए ये सब कुछ 25,000 लोग टोटल तो देखेंगे, 20 करोड़ लोग घर में ही होंगे, लेकिन हमने ये एक सिंबल देना है पूरी दुनिया को कि हम वो डरीवी या मायूस कौम नहीं है। बिल्कुल मलिक साहब, आपकी बात ठीक है। अगर ये मेरे कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे इधर बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चों की बड़ी तादाद है, जो लोग रात के इस समय जब हल्की हल्की खुनकी भी है, और यहाँ बच्चे मौजूद हैं, यहाँ महजूज होने के लिए आए हैं, लिबर्टी राउंड अबाउट में खवातीन मौजूद हैं, फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, और ये लोग यहाँ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। इस कौम को एक बहाना चाहिए सेलिब्रेशन का, इस कौम को एक लम्हा चाहिए होता है अपने आप को चार्ज करने के लिए। तंजीला साहिबा, वंस अगेन मैं आपकी तरफ आऊँगा, सियासी बातें अपनी जगह, बतौर पाकिस्तानी, बतौर कॉमन सिटीजन, PSL को लेके फीलिंग्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर तो है, हमने पहले भी बात की है, लेकिन फीलिंग्स क्या हैं? बयानात अपनी जगह हैं, वज़ीर आला पंजाब कुछ कहते हैं, राणा सनाउल्लाह कुछ कहते हैं, इमरान खान कुछ कहते हैं, कॉमन सिटीजन के तौर पे बताइए क्या फीलिंग्स? मैं भी उतनी ही पाकिस्तानी हूँ जितनी वज़ीर आला पाकिस्तानी है, मैं भी उतना ही खुश होना चाहती हूँ जितना वो दूसरी आवाम को खुश देखना चाहते हैं। हमारा भी यही मुल्क है, हमारा भी यही शहर है, और ये PSL हमारे माथे का ताज है, हम खुश हैं इसमें। लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है कि आम आदमी किस तरह खुश होगा? आम आदमी तो खुश नहीं हो पा रहा। वो आम लोग जिन्होंने यहाँ घूमना फिरना था उस पर पाबंदी लगा दी गई, आसपास के तमाम शादी घरों की सुई गैस बंद कर दी गई है, वहाँ पर शादियों की डेट्स आगे पोस्टपोन कर दी गई है कि खुदा न खासा सिलेंडर धमाका ना हो जाए, जो कि एक ये भी रिस्पेक्टर में आता है। इसी तरह कई रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए गए, शादी घर बंद करवा दिए गए, आम पब्लिक का कई कई किलोमीटर दूर आना जाना बंद करा दिया गया, और सोने पे सुहागा उनको टिकट भी नसीब नहीं है। टिकट अगर मैं ये कहूँ कि उन लोगों को बांट दी गई है जो कि अवेलेबल नहीं है, और कल का सिर्फ दिन रह गया है, तो यकीनन वो PML ने अपने दोस्तों को, अपने लोगों को बांटी है। और फिर सबसे बड़ी चीज़, मुझे इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि PSL जब सारे मैचेस दुबई में हुए थे तो ये एक PSL ही लाहौर में कराने की जिद क्यों? बाकी मैचेस यहाँ क्यों नहीं करवाए जा सकते? अगर राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि तमाम रिस्पेक्टर्स के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइनल करवा सकते हैं, तो वाई नॉट अदर मैचेस? इसलिए कि आपको उन टिकटों को ब्लैक में वो कमीशन वहाँ पर नहीं मिलना था जो आज आप यहाँ कमा रहे हैं। आम आदमी की खुशी तो आपने यहाँ भी छीन ली है। मैं और आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास ID कार्ड होना जरूरी है, हमारे थंब इंप्रेशन की वेरिफिकेशन होना जरूरी है, उसके बाद आप किसी भी तरह से एक आम आदमी ये 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 बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी के लिए चैलेंजेस है। मेरे पीछे ये बहुत से लोग मौजूद हैं,
ये आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं इनमें माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं ये। और यहाँ खैर PSL को लेके शायद इनको तो इतना इल्म ना, कुछ बड़े इनसे बात कर लेते हैं। PSL के फाइनल को लेके क्या कहेंगे, फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए था? वो आपकी पार्टी के होना चाहिए, लेकिन राणा सनाउल्लाह का ये भी चाहिए कि जो टिकटें 500 वाली हैं वो 2000 में 5000 में सिल रही, कम से कम इनका भी तो कुछ सोचे ना। गरीब आवाम टिकट ले रही है लेकिन वो खजल खुआर भी हो रही है, ये तो कोई। आपने टिकट ली है? मैंने नहीं ली। आपने टिकट ली है? नहीं, लेने की कोशिश भी नहीं की है? कोशिश की थी लेकिन मिली नहीं, ब्लैक में मिल रही है। ब्लैक में कितने की मिल रही है टिकट? 500 ली है, 2500 की सेल हो रही है। अच्छा, और ब्लैक में कितनी टिकट उन्होंने कहा कि हम आपको दे सकते हैं? उन्होंने कहा हम कोई 4 या 5 दे सकते हैं। 4 या 5 टिकट दे सकते हैं। आपने टिकट ली है PSL के? अच्छा, तो लेने की कोशिश भी नहीं की है? नहीं, उसमें गई नहीं, राशि काफी है ना, क्वालिटी बहुत सख्त है, इसलिए हम जा ही नहीं सकते। तो PSL का फाइनल होना चाहिए यहाँ पे? हाँ होना चाहिए, अच्छी बात है जी, आगे बड़े मामले खराब हुए हमारे मुल्क के, चले मुल्क आएगा, जरा खुशहाली आएगी। जरा क्रिकेट देखते हैं? हाँ जी देखते हैं, बहुत शौक। कौन सी टीम फेवरेट है? ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, पाकिस्तान नहीं। अभी 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 PSL में कौन सी टीम फेवरेट है? पेशावर इंशाल्लाह फेवरेट है। अच्छा, पख्तूनों को सपोर्ट कर रहे हैं आप? आप देखते हैं PSL? कौन सी टीम फेवरेट है? कराची। कराची, कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है? क्रिस गेल। क्रिस गेल तो एक मैच में चला है बस, आगे भी चलेगा। अच्छा, कल के मैच में चलेगा क्रिस गेल? चलेगा। तो आपने टिकट लेने की कोशिश नहीं की? अच्छा, ये पढ़ते हैं आप? क्या क्या किस क्लास में? 8th में। कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, शायद ये भी हमसे बात करें। क्या नाम है आपका? वली हैदर। वली हैदर, आप क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं? नहीं देखते हैं। अच्छा, ये कुछ छोटे छोटे और भी बच्चे हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं जी यहाँ पे। लिबर्टी राउंड अबाउट में शहर लाहौर तेरी रौनक कायम और दायम रहे। और आपसे मैं बात करना चाहूँगा, PSL को लेके आपने कुछ टिकट खरीदी? इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करते हैं आप? मैं गोड़गड़ा चलाता हूं। अच्छा, मैच होना चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए। अच्छा, तो अभी जो मैच हो रहा है, ये जो जाहिर है सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, डिस्टरबेंस भी हो रही है, तो ये सारी जो तकलीफ़ होती है, वक्ती तकलीफ तश्वीश होती है, इसको सह लेते हैं? मतलब सह लेना चाहिए एक मैच के लिए? बिल्कुल सहना चाहिए, पता चल गया लाहौर में हो रहेगा। अच्छा, चले ठीक है जी, ये तो आवाम की राय थी। वंस अगेन हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ आएंगे। जैन, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जाहिर है आपके सारा कवर भी कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से जो सब कुछ हो रहा है, सिक्योरिटी प्लान जो सामने आया है और जिस तरह आवाम को ब्रीफ किया जा रहा है, आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये अभी तक मुकम्मल तरीके से पूरी तरह तसल्ली बख्श है? जिस तरह आवाम को ब्रीफ किया गया है, आवाम को समझाया गया, ये अभी भी कोई कसर बाकी है? ये फैसला आपको बताता चलो, इस मामले में हुकूमत खुद कंफ्यूज है। वो एक मीटिंग है, एक दिन करती है, दूसरे अगले मीटिंग वो कोई सिक्योरिटी इतना ऑफिस करने वाले इदारे उसको चेंज करवा देते हैं, सिक्योरिटी प्लान चेंज करवा देते हैं, पार्किंग प्लान चेंज करवा देते हैं। उनको भी ये नहीं कन्फर्म कि एंट्रेंस कहाँ से दी जाए, कहाँ से ना दी जाए। जो 10,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, उनमें से 3,000 जो रेंजर एहलकार तैनात किए गए हैं, और उनको अभी समझ नहीं आ रही कि एंट्रेंस कहाँ से दी जाए, VIP गेट्स कौन सा है, कौन सा गेट VIP दिया जाए और कौन सा आम आवाम के लिए खोला जाए। और ख़वातीन के लिए एक अलहदा गेट इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि बदनज़मी का शिकार अक्सर ये रहा है कज़ाफी स्टेडियम इस हवाले से। और आपको ये भी बताते चले कि जो मैं आपको लास्ट मैसेज जो देना चाहता हूँ कि ये आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन शहर है, लेकिन कैसे? क्या गरीब आवाम सड़कों पर जलील होकर टिकटों के लिए? नहीं, ये बड़ी बदनज़मी हुई है जैन, ये बड़ी बदनज़मी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी ज़रूर सोचना चाहिए, एक इवेंट हुआ है, बहुत सालों के बाद हुआ है। जब कोई चीज़ आपकी प्रैक्टिस में नहीं रहती तो फिर जब आप रिवाइव करते तो इस तरह के वाक़यात होते भी है कि एलिमेंट ज़रूर है। अब हमारी एक जनरेशन है, जो बच्चा आज से 9-10 साल पहले पैदा हुआ है, शायद उसने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं देखी है, उसको इस कल्चर का एक नस्ल को नहीं पता क्रिकेट का। तो तंजीला मेरी बात पे मुस्कुरा रही है, अब आपका इल्ज़ाम मुझ पर आने वाला है। नहीं, यानी आप मान रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है आम आवाम की जानों के साथ? नहीं, जानों के नहीं, तंजीला जानों के साथ तो एक्सपेरिमेंट, फिर आपका एहतजाज भी है, आपका धरना भी है। चले वो हम अपना इल्जाम लेते हैं, लेकिन हम इनसे पहले सिक्योरिटी आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी जानों के साथ एक्सपेरिमेंट? सिक्योरिटी क्लियरेंस लेके जलसा करते हैं। मेरी बात सुने, आपका लाठी चार्ज में कितने लोगों को आपने मारा है? सिर्फ टिकटों पे लाठी चार्ज शुरू हो गया है, आप इंसानी जानों से खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे फैसला आप ये बताएं कि जब इंटरनेशनल मीडिया यहाँ आएगा, वो आपकी मुल्क की कवरेज करेगा जिसमें ज्यादातर इंडियन मीडिया है, तो मुझे बताएं कि वो आपका क्या इमेज पोर्ट्रे करेगा बाहर?
मलिक साहब वन लाइन मुझे क्लोजिंग पे जाना। मैं कहूँगा कि इसको हम सबको मिलके ये पैगाम देना चाहिए, इमरान खान को उस दिन सुबह स्टेडियम के सामने होना चाहिए, इमरान खान मौजूद होंगे तो यकजहती का पैगाम जाएगा। हुकूमत वक्त ने भी जरूर सोचना है कि दावत देनी है कि नहीं देनी है। यहाँ पे हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है, माइक में दूंगा आरिफ भट्ट साहब को, उसके बाद मुझे जो है आप इजाजत दीजिए। दुआ है कि 5 मार्च का दिन अमन के साथ गुजरे, PSL का फाइनल कामयाब हो, पाकिस्तान की आवाम मुस्कुराते रहे और 5 मार्च का दिन उम्मीद बने, नवीद बने पाकिस्तान में कौमी क्रिकेट के रिवाइवल के लिए। आरिफ भट्ट ढोल भी है, आवाम भी है और माइक आपके हाथ। मैं बस खास तौर पर इस वक्त ही कहना चाहता हूँ कि लोग अपने घरों में मत बैठे रहें और कोशिश करें कि अपने घरों से निकले और बाहर जरूर आए। जगह हर वक्त।